शनिवार को इसराइल पर गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने अचानक हमला कर दिया। ये हमला कितना बड़ा था इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि हमास ने कुल मिलाकर 5,000 मिसाइलें सिर्फ 20 मिनट में इसराइल पर दाग दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सेना ने भी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 2021 में भी फिलिस्तीन समर्थक हमास और इसराइल के बीच जंग हुई थी जो 10 दिनों तक चली थी। उसके बाद लगभग 2 साल तक शांति रहने के बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में खूनी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान में हुए हमलों की वजह से इसराइल में मरने वालों की तादाद रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 के पार जा चुकी है, जबकि 1590 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और वहीं गाजा पट्टी में 232 लोग मारे गए हैं जबकि 1800 के करीब घायल हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह इसराइल और फिलिस्तीन के विवाद की शुरुआत हुई और कैसे इसमें जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का बड़ा हाथ रहा। सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ इसराइल फिलिस्तीन विवाद। यूरोप से आने वाले यहूदी अपने लिए एक नया मुल्क चाहते थे। उनका दावा था कि फिलिस्तीन उनकी जमीन है, ऐसा वो धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर कहते थे। यहूदियों की बढ़ती आबादी की वजह से अरब के लोगों के साथ उनके संघर्ष की शुरुआत हुई। यूरोप में 20वीं सदी की शुरुआत में यहूदियों की बड़ी तादाद थी, लेकिन कुछ समय बाद हुए झगड़े की वजह से यहूदी लोग यूरोप से निकलकर फिलिस्तीन पहुंच गए। फिलिस्तीन एक वक्त ऑटोमन साम्राज्य के तहत आता था। अब आप सोच रहे होंगे ऑटोमन साम्राज्य क्या है? पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोपीय देशों के कुछ भाग पर तुर्की का साम्राज्य स्थापित था जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया। इस साम्राज्य में फिलिस्तीन अरब वाले लोग रहा करते थे। इसके अलावा फिलिस्तीन धार्मिक लिहाज से एक महत्वपूर्ण जगह थी क्योंकि यहाँ का यरूशलम शहर मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र था। अब आपको बताते हैं इस तनाव के बाद इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद और कैसे बढ़ गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान करवाया। यूएन ने भी ये साफ किया था कि यरूशलम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रहेगा। यहूदी तो इससे खुश थे मगर अरबों के बीच इस फैसले को लेकर काफी रोष था, इसीलिए यह प्रस्ताव कभी लागू नहीं हुआ। दूसरी ओर ब्रिटेन 1948 में फिलिस्तीन को छोड़कर चला गया। इसके बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद ही इसराइल की स्थापना कर दी। जैसे ही इसराइल की तरफ से ऐसा किया गया वैसे ही फिलिस्तीन की तरफ से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर धावा बोल दिया। इस जंग के बाद अरबों के लिए एक अलग जमीन तय की गई मगर युद्ध की वजह से 7.5 लाख यहूदी बेघर हो गए। आखिर में आपको बताते हैं इन दो देशों के बीच हुए विवाद में हिटलर की क्या भूमिका रही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहूदी बड़ी तादाद में यूरोप छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस और फिलिस्तीन की ओर जाने लगे। यहूदियों के पलायन में सबसे बड़ा इजाफा तब हुआ जब एडोल्फ हिटलर 1933 में जर्मनी का तानाशाह बना। उसके शासनकाल में यहूदियों पर इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ा कि उन्हें मजबूरन अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ज्यादातर यहूदियों ने इसराइल आने का फैसला किया क्योंकि उन्हें ये धार्मिक मातृभूमि लगने लगी। बता दें हिटलर के दौर में 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया था। एक वक्त यहाँ पोलैंड, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक में यहूदियों की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन कुछ समय बाद वहां से यहूदियों को भागना पड़ा और इसकी मुख्य वजह कहीं ना कहीं हिटलर ही था। 1922 से लेकर 1926 में करीब 75,000 यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे। युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप में जितने भी यहूदी बचे थे उन्होंने अपने लिए नया देश बनाने के लिए फिलिस्तीन जाना शुरू कर दिया था और तब से ही यहूदी फिलिस्तीन रहने लग गए। ये कहानी थी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते विवाद की। लेकिन आपको बता दें साल 1967 में एक बार फिर फिलिस्तीन और इसराइल के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में इसराइल ने और भी ज्यादा आक्रामक प्रहार किया और फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद और बढ़ गया। बता दें इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है जो आज भी नहीं सुलझा है। शुक्रिया।